गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाटरप्रूफ एंड स्वेट प्रूफ मेकअप लुक। सो इस मेकअप को आप किसी भी फंक्शन में करके जा सकते हो। बहुत सिंपल और अफोर्डेबल प्राइस में मैंने किया है ये। और इफ अगर आज का मेकअप आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इससे आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा। इसकी गारंटी मैं आपको बिल्कुल देती हूँ। गर्मियों में ये मेकअप बहुत अच्छा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एल्फ गुडनेस का टोनर यूज़ कर रही हूँ। सो ये टोनर जो है आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। सो इसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए, जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो। उसके बाद हम कुछ और चीज़ लगाएंगे। तो गुड वाइब्स का फिर मैं आर्गन फेशियल ऑयल ले रही हूँ। सो गोल्ड लिप्स वाला है ये। उसके बाद इसे आपको हल्का सा सीरम लेना है अपने फेस पे और अप्लाई करना है। इससे आपके फेस पे जो ग्लो आएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगी, और साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत अच्छा वर्क करता है ये। सो इसे अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है, मसाज करना है जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन उसके बाद मैं कोई और प्रोडक्ट लगाऊंगी। सो आप देख सकते हो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद में ये प्राइमर ले रही हूँ। सो ये स्टे क्वेकर का प्राइमर है। तो ये प्राइमर बेस जो है वो बहुत अच्छा है। ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग करता है आपके मेकअप को, और वाटर प्रूफ अगर आप कर चाहते हो मेकअप तो इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपके इसके पोर्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। उसके बाद में ये NY का फाउंडेशन ले रही हूँ। तो ये फाउंडेशन थोड़ा सा गिर गया था डिब्बे में से ही अपने आप ही। इसको मैं ले रही हूँ, टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जितना आपको अप्लाई करना है आप उतना ही ले अपने शेड के हिसाब से। इसे फिर मैं ब्लेंड करूँगी। ये थोड़ा सा ये था कि ब्लेंड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्योंकि गिर गया था तो ये थोड़ा सा सूख गया था। बाकी ये जो है बहुत अच्छा मेकअप के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। सो आप देख सकते हो ये ब्लेंड इजीली हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, और इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और ग्लोई ग्लोई सा लगता है। तो उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए वेला वॉस्ट का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इसे यूज़ करने से आपके जितने भी मतलब कि मेकअप ड्राई अगर होने लगता है, आपका मेकअप जो लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं आई शेडो के लिए ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये पैलेट। उसमें से मैं पिंक शेड लूँगी और मैं कुछ ज़्यादा शेड यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ एक पिंक शेड और एक लाइट पिंक या वाइट कलर का शेड लूँगी। उसके बाद बस आपका मेकअप जो होता है आइज़ का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे सेट करने के लिए मैंने एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया। उसके बाद मैं हैंड से अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने बहुत कम दिया है आई शेडो, डिज़ायर कलर जितना मुझे चाहिए था। फिर ये मैंने हाइलाइटर पैलेट में से वाइट कलर का ले लिया है, लाइट पिंक है ये, और इसे मैं हल्का सा अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। और इससे जो आप शेड देखोगे आपके आईज़ का जो शेड आएगा वो बहुत प्यारा लगेगा। किसी भी फंक्शंस में अगर आप करके जाते हो तो बहुत प्यारे लगोगे आप, आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगेगी। नाइट में अगर आप ये करोगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, शाइनी शाइनी सा। फिर मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ, और बहुत टाइम हो गए मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाई है तो थोड़ा सा आईब्रोज़ की शेप बिगड़ रखी है। तो आईब्रोज़ को इस तरह से फिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्पूली की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे मैक का ये लगा रही हूँ मैं। तो ये आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये लिप लाइनर है। तो मैं एज अ आई शेडो मतलब एज अ क्या कहते हैं सॉरी भूल गई मैं सो इसे चलो लेट इट बी। बट उसके बाद फिर मैं कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं ये एलिटीन का ले रही हूँ लिपस्टिक। तो इससे मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूँगी, और कॉन्ट्रोल को आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को कॉन्ट्रोल करना होता है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। सो इस तरह से मैं अपने इस हर जगह पे अप्लाई कर लूँगी एंड फॉरहेड पे। तो उसके बाद जब इसे आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है, और कॉन्ट्रोल करने से आपका फेस, मैंने बहुत लाइट कॉन्ट्रोल किया है, इससे आपका फेस काफ़ी अच्छा लगता है और शेप बहुत अच्छी आती है आपके फेस की। सो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पर मैंने लगाया हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट आपको जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए हल्के हाथों से करना। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने इसे ब्लेंड अच्छे से कर लिया और ये बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। सो ब्लेंडिंग ही बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइज। उसके बाद मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ, यहीं से आई शेडो के पैलेट में से ही ब्लश का शेड ले रही हूँ। ये ब्लश बहुत प्यारा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्लश काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हो कि बस आपको स्माइल करना है और ब्लश अप्लाई करना है।
ज़्यादा हाई प्रोडक्ट नहीं लिए हैं मैंने, बहुत कम प्रोडक्ट में मैंने आपको ये लुक बताया है। और इसे जब आप ब्लश करोगे तो आप देख सकते हो कि ब्लश कितना प्यारा लगता है आपके फेस पे। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा पसंद जो होता है वो ब्लश ही होता है। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसे ब्लश कर लिया है। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे हाईलाइट करूँगी अपने चिक्स को, ठीक है। उसके बाद ये ब्रश हाइलाइटर का नहीं है, मेरे पे हाइलाइटर का ब्रश नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं इसे मैनेज कर रही थी। सो अपने नोज़ पे इसे अप्लाई कर लूँगी और अपने लिप्स अपर लिप्स के ऊपर हल्का सा, और फॉरहेड पे आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। मैंने हल्का सा फॉरहेड पे ले लिया था और उसके बाद इसे ब्रश से स्मज कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है। सो उसके बाद मैं मस्कारा के लिए कलर गर्ल का मस्कारा ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और इसे आपके जो आईलैशेज़ होते हैं एकदम ओरिजिनल और एकदम रियल लगते हैं, क्योंकि मैं कोई लैशेज़ नहीं लगाऊंगी, फेक लैशेज़, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे आप देख सकते हो। इसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है दोनों आईज़ पे, फिर मैं इसे लोअर आईलैशेस पे भी लगा लूँगी। और इस तरह से लगाने से आपके जितना भी लैशेज़ होते हैं वो बहुत ओरिजिनल लगते हैं। आप देख सकते हो कितने ओरिजिनल लग रहे हैं ना ये लगाने के बाद। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। बहुत प्यारा शेड है इसका, ये लिप्स सॉरी ये जो कलर है ये लिप लाइनर और लिप लाइनर रेडियस का है। इसका बहुत प्यारा कलर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला लिप लाइनर, भी मेरा बहुत टाइम से चलता आ रहा है। मैं मोस्टली इसे यूज़ करती हूँ कभी भी डेली वेयर में, अगर मैं मेकअप करती हूँ तो इसे मैं पूरे अच्छे तरीके से अपने पूरे लिप्स पे फिल कर लूँगी। इसे लिप लाइनर को काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिल हो जाता है, इसका शेड काफ़ी प्यारा है। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, इसका जो पिंक शेड है बहुत प्यारा और लाइट कलर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, तो ये काफ़ी मतलब प्यारा कलर है, तो मैं दो शेड यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स पे। तो हुडा ब्यूटी की जो लिपस्टिक है गाइज वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ऊपर से ये बहुत मैट का कलर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है लगाने के बाद। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए वो लिपस्टिक अप्लाई करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक का वो ज़रूर अप्लाई करना और एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत मतलब लंबे टाइम तक रहती है, 8 से 9 घंटे ईजिली आपके लिप्स पे टिकी रहती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये लिपस्टिक। आप देख सकते हो जब तक आप इसे खुद नहीं हटाओगे तब तक ये नहीं हटती। उसके बाद ये मेकअप फिक्सर ले रही हूँ एडीएस का, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये मेकअप फिक्सर मिल जाता है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे। थैंक यू।